हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एसआरएमएस की सीरीज की अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्कूल सेटअप में अभी हम वीडियोस बना रहे थे और आज मैं स्कूल सेटअप के कुछ वीडियोस जो बना चुका हूं उसके आगे, यानी बैंक्स एंड ब्रांचेस वाले ऑप्शन में आपको बताता हूं। आप यदि ऑनलाइन पेमेंट पेरेंट्स से लेना चाहते हैं या ऑफलाइन भी पेमेंट आप चाहते हैं पेरेंट्स आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें, तो आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ होनी चाहिए। बहुत बेसिक डिटेल्स, दो चीज़ें हैं, मैनेज बैंक्स एंड मैनेज ब्रांचेस। तो इन दोनों में आपको डिटेल्स अपनी फिल करके रखनी है ताकि यदि कोई पेरेंट्स पे करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिएट पर लेकर चलता हूँ। क्रिएट पर बैंक नेम, तो यदि आप अपना अकाउंट एक या एक से अधिक बैंक में रखते हैं या स्कूल अकाउंट आपने ओपन किया है तो उस बैंक की डिटेल यहाँ होनी चाहिए। मैं अगर लिखूं यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपका बैंक का बैंक नेम हो गया। बैंक एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म में जो बैंक का एब्रिविएशन होता है, SBI डाल दिया और इसको सिंपली आपने सबमिट कर दिया। यानी ये पेरेंट्स को दिखेगा कि आपका बैंक अकाउंट SBI में है और अब इसके किस ब्रांच में है, क्योंकि उसकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए पेरेंट्स के पास यदि वो अकाउंट में पे करते हैं। तो फिर क्रिएट चलते हैं। क्रिएट पर आप देख लें कि क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। स्टेट सेलेक्ट बैंक, आपने अगर एक से अधिक बैंक रखे हैं तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन में एक से अधिक बैंक आएंगे, अदरवाइज एक ही बैंक आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच नेम, ब्रांच नेम आपके स्कूल का अकाउंट किस ब्रांच में है। मान लीजिए मैं लिख दूं नेहरू प्लेस। अकाउंट नंबर आपका क्या है? 001200016341717। रैंडमली मैं डाल रहा हूँ। MICR कोड मैंडेटरी नहीं है, IFSC कोड मैंडेटरी है, SBIN 001612। ब्रांच कोड यदि है, उस ब्रांच का एड्रेस आप यहां पर लिख सकते हैं, न्यू दिल्ली। आप यहां पिन कोड स्टेट डाल सकते हैं। फोन नंबर यदि बैंक का है या आपका पर्सनल कोई फोन नंबर आप चाहें कि उस केस में अगर आप डालना चाहते हैं यहां, तो आप यहां पे डाल सकते हैं ईमेल आईडी के सहयोग। अभी आपने यहां पर सबमिट कर देना है, ये आपके बैंक की डिटेल्स यहां पर आ गए। यहां पर सिर्फ दो ही चीजें करनी है। अभी आप समझें, जब मैं स्कूल सेटअप की बात कर रहा हूं अभी, यानी आप अपने स्कूल से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशंस सभी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर अभी आप उसकी सेटिंग, उसकी सेटअप कर रहे हैं। तो जब वो एक बार सेटअप हो जाएगा तो वही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी आपको फ्यूचर में, आपके एसोसिएटेड जो भी स्कूल से एजुकेटर्स या पेरेंट्स हैं उनको, वो सारी चीजें जो आप उनको दिखाना चाहें। यदि आप नहीं दिखाना चाहेंगे तो वो आप यहां पर अपडेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, बैंक्स एंड ब्रांचेस की डिटेल्स को आपको यहां पर फिल करके रखनी है। सो थैंक यू सो मच।